2025 में करवाई जा सकती है जनगणना, कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश बोले, जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। लॉरेंस गैंग से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मिली धमकी, पप्पू यादव ने बिहार डीजीपी से की शिकायत, केंद्र से की जेड सुरक्षा की मांग। जेएमएम की चुनाव आयोग को चिट्ठी, झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी सहित 2 आईपीएस पर कार्रवाई की मांग, तीनों पर लगाया बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप। पटना में हुई एनडीए की बैठक, बैठक में शामिल नहीं हुए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, सीएम आवास के बाहर हुआ हंगामा। राहुल गांधी ने जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिवार से की बात, कांग्रेस ने पोस्ट किया वीडियो, पोस्ट में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री से पूछे सवाल। 2 दिवसीय वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी, जनसभा को किया संबोधित, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पोस्ट, ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र के दुश्मनों को हराएंगे महाराष्ट्र के लोग। जम्मू कश्मीर के अखनूर से खबर, सेना की गाड़ियों पर हुआ हमला, सेना ने की जवाबी कार्रवाई, 3 आतंकी ढेर। अब तक एक भी सीट न मिलने से नाराज रामदास अठावले, बीजेपी को दी चेतावनी, कहा आरपीआई को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। राहुल गांधी ने अजीत नाई को पहुंचाई मदद, अजीत नाई ने जताया आभार, हाल ही में अजीत के सैलून पहुंचे थे राहुल। भारत दौरे पर स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज, पीएम मोदी से की मुलाकात, टाटा एयरबस असेंबली का किया उद्घाटन। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच गैरी कर्स्टन ने दिया इस्तीफा, 6 महीने पहले ही संभाला था पद, 2011 में वर्ल्ड कप के दौरान भारत के कोच थे गैरी कर्स्टन। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 602 अंकों की बढ़त के साथ 80,005 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 158 अंकों की बढ़त के साथ 24,339 पर बंद हुआ निफ्टी। रिलीज हुआ फिल्म मिर्जापुर का टीजर, 2025 में होगी रिलीज, सोशल मीडिया पर फरहान अख्तर ने शेयर की न्यूज। 30 साल बाद री रिलीज होगी करण अर्जुन, सलमान खान ने किया ऐलान, 22 नवम्बर को होगी रिलीज।